Dear students, assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is the question for today's lecture video. और basically इस question के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक charge है जिसका ये magnitude दिया हुआ है और वो मेरे पास एक cube के center में है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे बताया गया है कि उस क्यूब में सिर्फ एक ही चार्ज है जो कि ये आपको गिवन है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? अब मुझे उसके टोटल तीन पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन के. पार्ट वन में मुझे ये बताना है, यानी कि पार्ट ए में, कि फ्लक्स कितना है उस क्यूब के होल सरफेस के ऊपर. देन पार्ट बी में मुझे ये बताना है कि एक जो क्यूब है जिसके सिक्स साइड्स होते हैं उसके हर फेस में, यानी हर एक साइड पे कितना फ्लक्स है. और पार्ट सी में मुझे ये बताना है कि क्या मेरे पार्ट ए और बी का आंसर जो है वो चेंज होता अगर इन केस मेरा जो चार्ज है वो सेंटर के बजाय कहीं और होता, सेंटर पर ना होता, ठीक है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन्होंने कोई डायग्राम नहीं दी हुई है, बट हम अपनी आसानी के लिए एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या किया है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग एक बहुत सिंपल सी डायग्राम बनाई है कि ये मैंने एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लिया और उसके अंदर मेरे पास सेंटर में एक चार्ज है क्यूब, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है? अब मुझे पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ओवरऑल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए, पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या होता है मेरे पास. फ्लक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई इक्वल्स टू क्यू इन साइड, यानी चार्ज जितने भी अंदर मौजूद हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जो कि एक कांस्टेंट होता है. तो इस वक्त यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही चार्ज मौजूद है जिसका मुझे क्या गिवन है, मुझे मैग्नीट्यूड गिवन है, बट ये माइक्रो कूलम में गिवन है. तो मेक श्योर कि आप इसको कूलम में ही पुट करें. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.70 एक्सपोनेंट 12 एक्सपोनेंट -6 कूलम को, इस माइक्रो को रिमूव करने के लिए, ठीक है? डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12, ठीक है? तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आएगा 1.92 एक्सपोनेंट 7, और इसका जो यूनिट होता है फ्लक्स का वो आपके पास होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है? तो ये मेरे पास पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो चुका है. अब पार्ट बी के अंदर मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि ये ओवरऑल के लिए है, ठीक है? अब मुझे बताना है कि हर सरफेस के ऊपर कितना फ्लक्स है. तो देखें, क्योंकि ये चार्ज मेरे पास सेंटर में है, इसका मतलब अगर ये सेंटर में है तो ये इस वाली सरफेस पे, अगर फॉर एग्जांपल तीन तीन इसके फ्लक्स का वो आ रहा है, एक तरह से आप समझिए इसके ऊपर असर आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, तो उतना ही इफेक्ट इस वाली सरफेस के ऊपर भी होगा, उतना ही इफेक्ट इस वाली सरफेस के ऊपर भी होगा, उतना ही इफेक्ट इस वाली सरफेस के ऊपर भी होगा. यानी क्योंकि चार्ज भी एक ही है और वो सेंटर में है तो हर सरफेस के ऊपर जो उसका इफेक्ट होगा वो उतना ही होगा, यानी सेम ही होगा, बिकॉज आपका चार्ज सेंटर में है. तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सिंपली सिर्फ और सिर्फ इस टोटल ये जो चार्ज मेरे पास जो फ्लक्स आया है उसको मुझे डिवाइड कर देना है 6 से. वाई 6, क्योंकि मेरे पास जो क्यूब होता है उसके 6 साइड्स होते हैं. तो पार्ट बी के लिए मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूँ कि मैं अब हर फेस वाले की बात कर रही हूँ, हर फेस कितना कितना उसके ऊपर फ्लक्स है, तो आप उसको लिख सकते हो 1.92 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय 6. तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.2 एक्सपोनेंट 6 एंड देन यूनिट ऑफ फ्लक्स दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है? तो ये मेरे पास हो गया है पार्ट बी. अब पार्ट सी के लिए आपके पास क्या है, पार्ट सी आपको कह रहा है वुड योर आंसर टू पार्ट ए और पार्ट बी चेंज. तो पार्ट ए मेरे पास क्या आता है कि इनसाइड, मतलब जो टोटल फ्लक्स था वो मुझे बताना था कि कितना है. तो आप देखो यहाँ पे आपके पास पार्ट ए के अंदर जो है वो क्वेश्चन जो मतलब ये आंसर आया है वो चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं की हुई ना कि क्या डायरेक्शन है उसकी, क्या है, बस हमने इतना लिया कि चार्जेस जितने भी होते हैं इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, उनकी डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई हुई. तो इसका मतलब कि मेरे पास जो पार्ट ए का आंसर है वो अगर मैं इस चार्ज की पोजिशन को इधर बजाय सेंटर की साइड पर भी कर दूँ या ऊपर ले जाऊँ, कहीं भी जाऊं पोजीशन को, तो उससे मेरे पार्ट ए का जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आप लिख सकते हो कि पार्ट ए आंसर वुड नॉट चेंज. वेयर एज अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो आप देखो यहां पे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये सेंटर में है तो ये हर इसके ऊपर जो है वो सेम इफेक्ट क्रिएट करेगा. वेयर एज अगर मैं अज्यूम कर लूं कि बजाय ये सेंटर के ये अगर मेरे पास यहां पर होता, मैं दूसरा पॉइंटर ले लेती हूँ, यहां पर होता अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास, तो देखो ये अब इस सरफेस के करीब है तो ये इस सरफेस के ऊपर ज़्यादा फ्लक्स का इफेक्ट दे रहा होता, ठीक है?
वेयर एज इस सरफेस के ऊपर इसका इफेक्ट कम होता है क्योंकि ये दूर है, इस सरफेस पे उससे भी कम होता है क्योंकि ये उससे भी दूर है, फिर इस सरफेस पे जो है वो उससे भी कम होता है, यानी अगर ये इसकी डायरेक्शन आप यहाँ कर लो तो जिस सरफेस के ये करीब जा रहा है उस सरफेस पे फ्लक्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा और जिस सरफेस से ये दूर है उस सरफेस पे फ्लक्स का इफेक्ट जो है वो कम होगा। तो इसका मतलब कि जो मेरा पार्ट बी है उसका जो आंसर होगा, अगर मैं इस चार्ज को सेंटर से हटा के कहीं इधर उधर करती हूँ तो उसका आंसर जो है वो चेंज होगा। तो नाउ आई अज्यूम स्टूडेंट्स के आप लोग पार्ट बी, इसके अंदर जो पार्ट सी के अंदर पार्ट बी वाली चीज़ आपसे पूछ रहे हैं उसका आंसर अपने वर्ड्स में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने आपको रीज़न समझा दिया है कि आंसर चेंज होगा, क्यों चेंज होगा वो रीज़न बता दिया है, अब आप इसको अपने सेल्फ वर्डिंग्स में खुद से लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।